आप सभी ने नाना प्रकार से माता का अपने अपने घरों में पूजन किया होगा। बहुत सारी विधियाँ माता के पूजन की सभी लोग बताते हैं अपने अपने ढंग से। साधक जिससे जो बन पड़ता है वो करते भी हैं, लेकिन एक परंपरागत जो माता की पूजा का विधान चला आ रहा है उसमें माता की अग्यारी करना, माता को पंचमेवा का भोग लगाना, माता के आगे अखंड दीप जलाना, जल का कलश भर के कलश स्थापन करना, जौ बोना और दुर्गा सप्तशती का या रामायण जी के नवारण पाठ करना अथवा संध्याकालीन माता की आरती करना, ये परंपरागत चला आ रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो अलग से कुछ बताया गया हो। ये हमारे घरों में जाने कितने कितने हजारों वर्षों से ये क्रम चला आ रहा है नवरात्रि का, जो आपने अपनी दादी नानी अपनी माँ और भी सभी को यह इस तरह से पूजा पाठ करते हुए देखा होगा। और जो विशेष विशेष पूजा पाठ हैं लक्ष्मी के लिए या शक्ति प्राप्ति के लिए अथवा सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए, जो अन्य अन्य लोग उपाय करते हैं, फिर उसके लिए अलग अलग पाठ, अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग टोने टोटके और अलग अलग बातें बताई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से माता के पूजन में हर रोज के लिए ये नियमावली है। अग्यारी करते समय माता को 9 लौंग के जोड़े घी में बोरकर मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से समर्पित करते हैं। माता के मंत्रों को बोलते हैं, माता के 9 नामों को बोलते हैं और बतासे के जोड़े लेकर बतासे को घी में बोरकर फिर माता की अग्यारी करते हैं। इस प्रकार हर रोज अग्यारी माता की जाती है। हे जगदीश्वरी, हे राज राजेश्वरी, हे मणिद्वीप वासिनी, हम पर कृपा करो। नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत हम करने वाले हैं। माता हम आपकी उपासना करें, माता हम आपको पुकारें और आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे, ऐसा अनुग्रह हम पर करिए। माता को इस प्रकार पुकारते हुए नवरात्रि व्रत का संकल्प करके इन 9 दिनों में अगर पूरे 9 दिन का व्रत नहीं कर पाओ तो प्रथम नवरात्रि का और अष्टमी का व्रत, परवा और अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और मानो प्रथम नवरात्रि का व्रत भी आप नहीं कर पाए हैं तो केवल अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए और फिर नवमी में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार माता की उपासना करते हुए माता को हर रोज मनाने का समय है। ये समय है शक्ति की उपासना का, ये समय है नारायणी को समझने का, ये समय है भगवती के स्वरूप को जानने का। हो सके तो इन 9 दिनों में अगर कुछ भी आपसे नहीं होता है तो कम से कम इतना अवश्य करें